नमस्कार, मैं दिव्या धरा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अगुवाई का सपना देख रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इस बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 फरवरी को हैदराबाद आने का न्योता भेजा है। आपको बता दें कि भारत की गिनती उन देशों में होती है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन तैयार करते हैं। 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले ये रेल इंजन मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है। भारत सहित केवल 6 देश ही 12,000 एचपी के इंजन बनाते हैं। भारत के अलावा रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन ही 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले रेल इंजन बनाते हैं। फिलहाल भारत निर्मित ये रेल इंजन फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। इन्हें मधुपुरा के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाया जाता है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जदयू लगातार कमजोर हो रही है। मैंने कई बार नीतीश कुमार को इसके बारे में कहा, लेकिन वे मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र में चीन की आर्थिक और रणनीतिक जरूरत काफी ज्यादा, और यही वजह है कि वह आक्रामक तरीके से अपनी सेना की तैनाती कर रहा है, ताकि वह भारत की ओर अधिक क्षेत्रों पर दावा करने के लिए बिना बाढ़बंदी वाले स्थानों पर दबदबा कायम कर सके। यह बात एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किए गए एक दस्तावेज में कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्रीय मदद से जुड़े बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा का दावा है कि वह बिहार में 105 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें केंद्र सरकार सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद भाजपा प्रदेश डॉक्टर संजय जायसवाल ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले 17 वर्षों से भाजपा का वित्त मंत्री रहा, लेकिन कभी भी राज्य में वित्तीय स्थिति नहीं गड़बड़ाई। लेकिन आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री जो कि यह देखना चाहिए कि उनके वित्त मंत्री इतने अक्षम है क्या। केंद्रीय बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे, खासकर रेलवे और राजमार्ग निर्माण के विकास पर केंद्र सरकार का जोर दिया जाना जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक डेटा दर्शाता है कि जर्मनी स्तर पर पिछले साल के बजट में घोषित की गई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य लक्ष्य से पीछे चल रहा है। सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र की उम्मीद है कि 2023-24 के बजट में उसका आवंटन बढ़ेगा। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि विदेश नीति पर एक स्वतंत्र रुख रखने वाले भारत को चीन के आक्रामक कार्रवाइयों के कारण अपनी रणनीतिक स्थिति बदलनी पड़ी। यही कारण है कि 4 देशों के क्वाड समूह में शामिल होने के लिए भारत मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 31 महीने से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में घातक झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की नो एंट्री है। भविष्य में कभी भी बीजेपी नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएगी। तारकिशोर ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नीतीश को नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने विश्वसनीयता को खो दिया। अब उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई है। बिहार की जनता ने कई बार उनको जो जनादेश दिया था उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक आतंकवादी संगठन बता दिया है। कहा गया है कि तमिलनाडु के इस संगठन की सक्रियता बढ़ती जा रही है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि पीएफआई जैसे संगठन देश के विकास के खिलाफ है। ये संगठन सिर्फ शांति भंग करने का काम करते हैं। अब पीएफआई पर ये हमला उस समय किया गया जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी उसी तरह संगठन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट हॉल में बैठक बुलाई गई। बैठक में नीतीश कैबिनेट से 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर मुहर लगी है। सरकार ने 24 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बुलाया है। इसमें वित्त विभाग में 71 निम्न वर्गीय लिपिक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 2022-23 के गैर शैक्षणिक पदों के वेतन आदि भुगतान के लिए 4,99,00,000 रुपए की मंजूरी दी है। बुधवार को दुबई जयपुर उड़ान को खराब मौसम के कारण दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक यात्री ने एक अजीबोगरीब हरकत की, जिसका उसे बाद में बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक यात्री ने ट्वीट कर दिया कि प्लेन हाईजैक हो गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। शख्स ने अपने ट्वीट में नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टैग किया था। दिग्विजय सिंह के बाद एक और कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार का कहना है कि उनके पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है, तो ये वीडियो दिखाएं। अगर उनके पास वीडियो नहीं है तो वे झूठ बोलने के लिए माफी मांगे।
भारत चीन सीमा स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम सीमा संघर्षों के संबंध में स्थिति की व्यापक रूप से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह सुनकर खुशी हुई कि कम से कम दिसंबर में दोनों पक्ष पीछे हट गए हैं। वेदांत पटेल ने भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के भविष्य पर कहा कि भारत व्यापार सहयोग, सुरक्षा सहयोग और तकनीकी सहयोग सहित कई क्षेत्रों में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पर चर्चा 2023 के छठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थियों मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। गणतंत्र दिवस पर देश भर में जश्न मनाया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत में तो गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया ही गया, वही दुनिया भर के नेताओं ने भी भारत के गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया तथा संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। तमिलनाडु में सांप पकड़ने वाले जोरों को पद्मश्री से नवाजा गया है। तमिलनाडु की इरूला जनजाति के इन सपेरों का नाम मासी सदाइना और वेदीवेल गोपाल है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दोनों को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शिक्षा की कमी होने के बावजूद सांप पकड़ने के साथ साथ सांप पकड़ने वालों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते हैं। भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों की स्थानांतरण के लिए दक्षिण अफ्रीका से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। अधिकारी ने कहा है कि समझौते पर पिछले सप्ताह हस्ताक्षर हुए थे और अगले महीने 15 फरवरी तक 7 नर चीता और 5 मादा चीता लाए जाएंगे। दरअसल अत्यधिक शिकार के कारण भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। कांग्रेस ने शुक्रवार को अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सेबी से जांच कराने की मांग की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि आरोपों की भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के अडानी समूह के उच्च जोखिम वाले संस्थानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने से उन करोड़ों भारतीयों पर प्रभाव पड़ता है जिनकी बचत वित्तीय प्रणाली के इन स्तंभों द्वारा की जाती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक भारतीय उत्पाद है जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस बैंकिंग दुनिया में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। यह इतना सफल रहा है कि भारत के अलावा भूटान, यूएई, श्रीलंका समेत कई देशों में इसके जरिए ही पेमेंट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा जैसे कुछ और देशों ने भी यूपीआई पेमेंट शुरू कर दी है। नवनियुक्ति महावाणिज्य दूत महेश कुमार ने जोहानिसबर्ग में बृहस्पतिवार को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा भी शामिल है। भारत की पिछले 73 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए कुमार ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना प्रगति पर है। यह अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव युक्त उड़ान होगी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। वह मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया। अब्दुल फताह 24 से 27 जनवरी तक अपनी इंडिया यात्रा पर आए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बोला है कि राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी ने इंडिया पर विश्वास जताया और बोला है कि नई दिल्ली की अध्यक्षता में G20 अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करने वाले हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को लगभग 5:45 पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित करने वाले हैं। इस वर्ष एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। आम चुनाव में 2024 में एक साल का समय रह गया। केंद्र में सत्तारूढ़ होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। बीजेपी ने मिशन 80 के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यूपी की सभी सीटें अपने नाम कर लेगी। विपक्ष भी अपनी रणनीति में जुट गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले 77 साल के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है। डॉक्टर डावर जबलपुर में सिर्फ 20 रुपए में लोगों का इलाज करते हैं। वे रोजाना करीब 200 मरीजों को देखते हैं और उनका उपचार करते हैं। इसके साथ ही महंगाई के इस दौर में 20 रुपए की फीस की मामूली राशि स्वीकार करते हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने जीटीए लिमिटेड के डायरेक्टरों और बैंकरों के खिलाफ 4,760 करोड़ रुपए के घोटाले में केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने लोन के पैसों को डाइवर्ट करके बैंकों के कंसोर्टियम को 4,760 करोड़ रुपए का चूना लगाया। लगभग 24 बैंकों ने मिलकर जीटीएल को पैसा उधार दिया, जिसमें केनरा बैंक, देना बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। पूछताछ से पता चला है कि जीटीएल सामग्री और सामान की आपूर्ति के लिए साल दर साल वेंडरों को अग्रिम दे रहा था। नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बनेंगी। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉस्ट डाटा बुक के तहत नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कॉर्पोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की भरी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम सौरभ को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करना चाहता है, लेकिन सरकार को सौरभ के समलैंगिक होने पर आपत्ति है। सरकार को लगता है कि वह पक्षपाती हो सकते हैं। अब सौरभ ने सरकार की आपत्ति पर सवाल उठाया है। देश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अलग तरह बहस शुरू हो गई है। देश भर के कर्मचारी नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार वाले कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर धमकी भरी टिप्पणियां पोस्ट करने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह टिप्पणियां आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने की थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को सलाह दी कि मामले में वकीलों पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। भारत ने तेजी से विकास किया और आज ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और एक दुनिया की बड़ी शक्ति बन गया है, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम अभी भी भारत को लेकर अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी रह रहकर पाकिस्तान को लेकर उसका पूर्वाग्रह दिख जाता है। अब पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना ने संयुक्त रूप से इंग्लैंड में क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, अनवर करीम खान, एमडी नौसाद रजा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, एमडी साकिर हुसैन, महमूद अंसारी और मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पेश किया जाएगा, आने वाले बजट सत्र से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।